जो घायल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसमें मुख्य रूप से महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा एवं उनके सहयोगी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, वैसे सारे लोगों ने आज लगभग एक दर्जन मुकदमा पटना सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जी के समक्ष किया है, जिसमें अभियुक्त के रूप में मुख्य रूप से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी एवं बिहार पटना के डीएम, पटना के एसएसपी, पुलिस उपाधीक्षक लॉ एंड ऑर्डर और कोतवाली के थाना प्रभारी संजीत कुमार पर यह मुकदमा विभिन्न धाराओं में किया गया है, जिनमें 307, 304, 323, 354, 354 ए, 354 डी आदि धाराओं में यह मुकदमा दर्ज कराया। परिवार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, लगभग एक दर्जन के करीब मुकदमे हुए हैं, उसमें अभी सभी जो इस मुकदमे के परिवादी हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। और भारतीय दंड संहिता के 307, 323, 324, 504 और 506 की धाराओं में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के जिलाधिकारी और वहाँ उपस्थित तमाम वैसे पुलिस पदाधिकारी जिन्होंने जान मारने के नियत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार किया है, इसलिए सुसंगत धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। जुलाई को जिस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं पे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश देके पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग केस दर्ज करने आए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो वहाँ पे जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी थे उनके ऊपर हम लोगों ने आज केस दर्ज किया है। हमारी जो बहनें हैं, आप देखे होंगे बीते दिनों कि किस तरह से उनसे बर्बरतापूर्ण उनके ऊपर प्रहार किया गया था, वो भी मेल पुरुषों के द्वारा। और ये प्रजातंत्र में सभी को अधिकार होता है अपने हक के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए सड़क पे उतरने की, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो इसकी जो सरकार है वो किसी को भी सड़क पे उतरने के बाद, आप शिक्षक अभ्यर्थी लीजिए या फिर आप किसान सलाहकार लीजिए और भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे सांसद को पीटा गया, हमारे एक भाई शहीद हो गए इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार में, और हमारी 4-5 बहनें ऐसी है कि इमरजेंसी में एडमिट हो गई, बाकी का तो छोड़ दीजिए, 778 लोगों को इंजर्ड हुए हैं, लेकिन ये लोग मेजर रूप से हुए। तो मैं एक महिला मोर्चा की पदाधिकारी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते, और जो हमारी बहनें इसमें जिस तरह से प्रभावित हुई हैं, उनके ऊपर जिस तरह से प्रहार किया गया, उसके विरोध में हम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और वहाँ जो जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी थे उनके विरोध में आज हम उनके अगेंस्ट उनको हम लोग अभियुक्त बना के केस दर्ज किए। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। डू यू वॉन्ट टू बी एन एंकर, रिपोर्टर, producer, editor or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 9304755035 or 9304755037. Animation Academy, an initiative of First Bihar, Jharkhand.